इस पैक को लगाने के बाद ना आपको चेहरे पे बहुत ज्यादा कसाव महसूस होगा। और इस रिजल्ट को लॉक करने के लिए अपने चेहरे पे एक काम आपको और करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं निगार। आशा करती हूं कि मेरी फैमिली के सारे ही मेंबर बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज, अब से 2-3 दिन पहले मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया था जिसमें मैंने बताया था कि बुढ़ापा रोकने की दवा, और उस वीडियो को आपने बहुत बहुत पसंद किया था। बहुत ही मोटिवेशनल वो वीडियो था जिसमें मैंने आपके साथ एंटी एजिंग डाइट शेयर करी थी। और आज उस वीडियो का पार्ट 2 लेकर आई हूँ गाइज, कि आपको अपनी स्किन की केयर किस तरह से करनी है, लॉन्ग टाइम तक आप अपनी स्किन को टाइट और फर्म कैसे रख सकते हैं, साथ ही साथ साइंस ऑफ एजिंग को कैसे लॉन्ग टाइम तक आप डिले कर सकते हो और अपने चेहरे से उम्र के निशानों को खत्म कर सकते हो। क्या आप जानते हो कि जब हम 30 की एज क्रॉस करते हैं तो उस वक्त हमारी स्किन को जरूरत होती है एक्स्ट्रा केयर की, एक्स्ट्रा देखभाल की, क्योंकि ये उम्र ना इस उम्र में हमारी स्किन मांगती है हमसे एक्स्ट्रा देखभाल, इसलिए क्योंकि एजिंग का प्रोसेस है ना वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो हमें क्या चाहिए, हमें इस वक्त करना होता है अपनी स्किन की अच्छे से केयर, ताकि जो एजिंग हमारी स्किन के ऊपर आ रही है, जो झुर्रियां हल्की हल्की सी दिखाई दे रही है, वो झुर्रियां खत्म होकर हमारी स्किन लॉन्ग टाइम तक टाइट और फर्म बनी रहे, जल्दी से हमारी स्किन सैग ना हो, साथ ही साथ बुढ़ापे के निशानों को हम काफी लॉन्ग टाइम तक अपनी स्किन से डिले कर ले। आज इस पार्ट 2 के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक एंटी एजिंग पैक, जो कि आपकी स्किन को टाइट करेगा, फर्म करेगा। अगर आपकी स्किन सैग हो रही, अगर आपकी स्किन लूज दिख रही है, या फिर आपके चेहरे पे झुर्रियां या फिर एज के निशान दिख रहे हैं, तो आप इस पैक को लगाना आज से ही शुरू कीजिए। इस वीडियो को शेयर करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि भाई अगर वीडियो अच्छा लग रहा है या वीडियो का टॉपिक पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ जो लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं विद बेल आइकन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। इसी तरह के वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं कि एंटी एजिंग पैक हमें किस तरह से बनाना है। तो इस एंटी ट्रीटमेंट के लिए गाइस सबसे पहले हमें जो ज़रूरत है वो है अलसी के बीजों की, ठीक है। ये अलसी के बीज ओमेगा 3 फैटी एसिड्स जैसे कई पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये जो बीज होते हैं ना गाइस, ये हमारी स्किन के सेल्स की जो डैमेज होने की प्रक्रिया है उनको धीमा करते हैं, साथ ही साथ जो सेल्स हमारे ऑलरेडी टूट फूट चुके हैं, जो हमारी कोशिकाएँ ऑलरेडी पहले से ही डैमेज हो चुकी हैं, उनकी रिपेयरिंग स्पीड को बढ़ा देते हैं। इसलिए ये हमारी स्किन के लिए बहुत बहुत बेनिफिट है। तो आपको क्या करना है, तकरीबन आपको यहाँ पे आधा कप अलसी ले लेनी है। और नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे ऐड करेंगे वो है लाल मसूर की दाल, यानी रेड लैंटिन। जब हमारी एज होती है 30 या फिर इससे अबव हो जाते हैं ना, तो हमारे रंग को भी ये इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो एजिंग का प्रोसेस हमारी स्किन को भी डल करता है, हमारा रंगत जो होती है वो भी धीमी पड़ने लगती है, हमारी कांति धूमिल होने लगती है। तो ये आपके रंग को भी निखारेगी, साथ ही साथ किसी भी तरह के डार्क स्पॉट है, पिगमेंटेशन है, किसी भी तरह के भूरे ब्राउन स्पॉट है, तो उनको भी खत्म करेगी। तो हमें इक्वल क्वांटिटी ही मसूर की दाल की लेनी है, जितने आपने अलसी के बीज लिए हैं उतनी ही आपको लेनी है मसूर की दाल, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वांटिटी को आधा आधा कप रख रही हूँ ताकि हमें बार बार इसको बनाने की झंझट ना रहे। थर्ड इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे वो बेमिसाल है एंटी एजिंग और स्किन टाइटनिंग के लिए। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं चावलों का। आपके घर में, आपके किचन में जो भी चावल पकते हैं उन्हें आप ले लेना, ठीक है। ये चावल क्या करेंगे, हमारे जो उम्र के जब निशान आना शुरू होते हैं तो पोर्स भी ओपन हो जाते हैं, चेहरे पे जो है रोम छिद्र खुलने लगते हैं, बड़े बड़े दिखने लगते हैं। तो ये ओपन पोर्स को टाइट करेगा, साथ ही साथ स्किन की टाइटनिंग के लिए भी बहुत बेनिफिशियल है और एंटी एजिंग का तो काम करता ही करता है, ठीक है। लास्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे लेना है बादाम, क्योंकि ये रिच ऑफ सोर्स है विटामिन ई का, हमारे चेहरे पे चमक बढ़ाने का काम करते हैं, साथ ही साथ ये माइल्ड स्क्रब का भी काम करेंगे, हमारे चेहरे के ऊपर डेड सेल्स को जमा नहीं होने देते, स्किन की गहराई से सफाई करते हैं। तो तकरीबन 15 बादाम आपको लेने हैं। इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे मिक्सर के जार में। अच्छा, सारी चीज़ों को आप अच्छे से साफ कर लेना, धूल मिट्टी वगैरह इसमें नहीं होनी चाहिए। अब इनको अच्छा सा पाउडर फॉर्म में आपको पीस लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें, मैंने बहुत महीन पाउडर इसका पीसा है, इसके जो ग्रैनुल्स है ना गाइस वो बहुत ज़्यादा महीन हो गए हैं, बिल्कुल स्मूथ पाउडर आपको पीसना है। थोड़ी देर आप मिक्सर में ज़्यादा देर तक चला लेना और इस तरह का पाउडर बना लेना। अब इस पाउडर को आप स्टोर करके रख लो किसी डिब्बे में, एयर टाइट कंटेनर में भर कर आपको रख लो, ताकि हमें रोज़ रोज़ इसको नहीं बनाना पड़ेगा, जब भी इस्तेमाल करना है यही पाउडर हम लेंगे, ठीक है।
तो ये पाउडर हमारा बनकर तैयार है, इसको आप रख सकते हो तकरीबन 20 दिन के लिए, और ये रूम टेम्परेचर पे ही आपको रखना है। इसको आपको फ्रिज में स्टोर करके नहीं रखना है कि आपका ख़राब नहीं होगा। अब जब भी हमें पैक बनाना है तो पैक बनाने के लिए आपको ये पाउडर उतना ले लेना है जितना कि हमारे चेहरे पे अच्छे से लग जाए, नेक पे भी आपको इसको लगाना है। तो एक चम्मच यहाँ पे आपको भर कर ये पाउडर ले लेना है, एक चम्मच ले लें या डेढ़ चम्मच, जितना आपको लगे कि इतना इनफ है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो ताज़ा पत्ते वाला एलोवेरा लीव होता है ना, हम सभी के घर में आजकल लगा ही होता है, तो इसका इस्तेमाल हम करेंगे। एक छोटा टुकड़ा आप ले लो और इसका जो जेल है उसको निकाल कर आप इसी पैक में ऐड करोगी। ये जेल हमारी स्किन के ऊपर कसाव लेकर आता है, रिंकल्स फाइन लाइंस को हटाता है, एज स्पॉट को कम करता है और स्किन के सेल्स को रिपेयर करता है। अब यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं आधा चम्मच स्वीट आलमंड ऑयल यानी बादाम का तेल। ये तेल मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि एज करने वाली स्किन के लिए बेमिसाल है। ये जल्दी से आपके चेहरे पे एज के निशान और बुढ़ापे को नहीं आने देता है और ये हमारी स्किन को टाइट करता है, स्किन के ऊपर कसाव लेकर आता है, डैमेज सेल्स की भी रिपेयरिंग ये करता है। इसका लिंक ऑलरेडी मैं दे चुकी हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, डिस्क्रिप्शन में आप इसको बाय कर सकते हो। अब लास्ट में आपको क्या करना है, इसमें हमें ऐड करना है कच्चा दूध यानी ड्रॉ मिल्क, जो कि लैक्टिक एसिड से भरपूर होता है, हमारी स्किन की इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ ये कोलेजन को भी बूस्ट करता है। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कच्चा दूध उतना ऐड कर लो जितना कि अच्छी सी कंसिस्टेंसी में ये हमारा मास्क तैयार हो जाए। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करो गाइस, और यहाँ पे आपको अगर लगे कि ये थोड़ा सा ठीक है तो थोड़ा सा कच्चा दूध आप इसमें और ऐड कर लोगी, ठीक है। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से ब्लेंड करती जाओ और ये देखो हमारा एक ऐसा मास्क बनकर तैयार है जो कि कोलेजन को बूस्ट करने का काम करेगा, स्किन को टाइट करने का काम करेगा, और यहाँ पे ये हमारी सेल्स की रिपेयरिंग भी करने वाला है और साथ ही साथ एज स्पॉट को कम करके हमारे फेस के रंग को भी निखारेगा। तो चलिए अब देखते हैं इसको लगाने का तरीका। तो ये मास्क हमारा बनकर तैयार है गाइस, जो कि एंटी एजिंग बेस्ट कोलेजन का भंडार है। ये आपकी स्किन को टाइट करके रखेगा और आपके चेहरे पे आने वाली रिंकल्स फाइन लाइन झुर्रियों को रिड्यूस करता जाएगा, साथ ही साथ आपकी स्किन के कोलेजन को बूस्ट करके ये आपकी स्किन को टाइट और फॉर्म करेगा। यकीन मानिए इस पैक को लगाने के बाद ना आपको चेहरे पे बहुत ज़्यादा कसाव महसूस होगा और आपकी स्किन बहुत ज़्यादा फ्रेश और ग्लोइंग भी लगेगी, और इसके साथ ही साथ ये आपकी स्किन की जो डल पड़ा हुआ जो चेहरा है ना, जो कालापन है, वो भी इसके साथ ही साथ आपका ख़त्म होगा, ठीक है। तो इसको आपको लगाना है अपने धुले हुए चेहरे पर, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से इसकी हम लेयरिंग करेंगे अपने चेहरे के ऊपर। एक अच्छी सी लेयर की एप्लीकेशन आपको अपने स्किन के ऊपर इससे कर लेनी है, ठीक है। तो ये मास्क आप अपने नेक के ऊपर भी ज़रूर लगाओगी, नेक पे भी आने वाली सैगिंग को ये रोकेगा और साथ ही साथ आपकी स्किन को बहुत बहुत टाइट करने वाला है। और इसको लगाने की टाइमिंग अलग है, ठीक है। ये मास्क आपको तकरीबन 35 से 40 मिनट तक लगा के छोड़ना है अपनी स्किन के ऊपर, जब तक ये अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई नहीं हो जाता है, हमारी स्किन के अंदर सख्त नहीं हो जाता है, जाकर पेनिट्रेट नहीं हो जाता है, तब तक इस मास्क को हम लगाए रखेंगे, ठीक है। बाकी के घर के जो काम है आप करती रहो, टेंशन मत लेना कि मास्क लगा हुआ है, अपने सारे काम आप निपटाओ। अगर एक घंटा भी हो जाता है ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये मास्क आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल ही है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको लगा कर छोड़े दे रही हूँ गाइस, और मैं भी अपने सारे काम निपटा लेती हूँ, फिर इसको हटाने के बाद आपको क्या करना है ये बताऊंगी। ये पैक लगे हुए तकरीबन 40 से 50 मिनट हो चुके हैं गाइस, और ये हमारे स्किन के ऊपर बिल्कुल सख्त हो चुका है और स्किन के अंदर जज्ब होकर इसने अपना काम कर दिया है, ठीक है। अब हमें इसे वॉश करना है। वॉश किस तरह से करना है, अगर आप सर्दियों में इस पैक का इस्तेमाल कर रहे हो, जैसे कि अभी विंटर चल रहा है, तो हम नॉर्मल वाटर का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप ये पैक समर में लगा रही हो यानी गर्मियों में लगा रही हो, तो आपको ठंडे पानी से इसको धोना है, ठीक है। तो मैं इसको नॉर्मल वाटर से वॉश करूंगी और फिर आपसे मिलती हूँ, ठीक है। तो फटाफट से इसको वॉश करके आती हूँ। तो यहाँ पे फेस को वॉश करने के बाद का रिजल्ट है ये गाइस, और इसने काफ़ी अच्छे से मेरी स्किन को
क्लियर और क्लीन भी किया है। आप देख सकते हो ये रंग निखारने का भी काम करेगा, आपकी झुर्रियों को भी हटाएगा, आपकी स्किन से एज स्पॉट को भी हटाएगा, साथ ही साथ पिगमेंटेशन जैसे निशानों को भी रिड्यूस करने वाला है। एक बार का इफेक्ट देखो, स्किन काफ़ी ज़्यादा लाइटन भी दिख रही है और स्किन काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और टाइट भी दिख रही है। इस रिजल्ट को लॉक करने के लिए अपने चेहरे पर एक काम आपको और करना है। जब आप ये पैक लगा लोगी तो उसके बाद आपको यूज़ करना है नारियल तेल का, या तो फिर स्वीट आलमंड ऑयल है आपके पास वो आप ले लो, बट मैं यहाँ पे अपना रोगन बादाम शीरी ही इस्तेमाल करूँगी गाइस, क्योंकि ये ना आपकी स्किन के ऊपर बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। ठीक है, थोड़ा सा आप तेल ले लेना इस तरह से और अपने चेहरे के ऊपर ऐसे आपको लगाना है ये पैक लगाने के जस्ट बाद। ठीक है, और लगाने के बाद हल्का सा आपको मसाज देना है अपने स्किन के ऊपर। ठीक है, इससे ना आपकी स्किन बहुत बहुत टाइट होने वाली है और आंखों के आसपास अगर झुर्रियाँ आ रही हैं, माउथ के ऊपर सैगिंग हो रही है, निशान आ रहे हैं, लकीरें दिख रही हैं, माथे की स्किन आपकी सैग होकर ढीली होकर लटकने लगी है, तो ये ना आपकी स्किन के ऊपर इस पैक के रिजल्ट को लॉक कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखो कि बिना मेकअप के ही स्किन बहुत ग्लो करने वाली है आपकी, और ये पैक आपकी पिगमेंटेशन के लिए बहुत अच्छा है, झाइयों के लिए बहुत अच्छा है, स्किन की सैगिंग के लिए बहुत अच्छा है, और ये आपकी स्किन को हमेशा हमेशा यंग बना के रखने वाला है, स्किन को टाइट करेगा और साथ ही साथ ग्लो भी बहुत भर भर कराने वाला है चेहरे के ऊपर। ठीक है, तो इसको किस एज ग्रुप की महिलाएं लगा सकती है, 30 क्रॉस कर चुकी है ना, आज से ही लगाना शुरू कर दो। और इस पैक की कोई एज लिमिट नहीं है कि 50 के हो गए 60 के हो गए हम नहीं लगा सकते, आप बिल्कुल लगा सकते हो। ठीक है, तो आप इसको लगाओ और लगाने के बाद देखो कैसा रिजल्ट आता है, और उसके रिजल्ट मेरे साथ कमेंट बॉक्स में भाई शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए ये पैक लगाइए और इसके रिजल्ट मेरे साथ शेयर कीजिए कमेंट बॉक्स में। दिन में किसी भी वक्त एक बार इस पैक की एप्लीकेशन आपको ज़रूर करनी है, और साथ ही साथ नाइट में रोगन बादाम के तेल का मसाज कतई कतई करना नहीं भूलना है आपको। बहुत ही जल्दी मैं आपके साथ एक कोलेजन क्रीम शेयर करूंगी जो कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करके रखेगी। ठीक है, तो वो वीडियो भी पार्ट 3 होने वाला है और आगे भी बहुत हेल्पफुल वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊँगी। अगर 20 की उम्र में आप लगा रहे हो तो हफ्ते में 2 बार लगाना, अगर 30 के एज क्रॉस कर चुके हो तो आपको ये पैक डेली लगाना है अपनी स्किन को टाइट करने के लिए। ठीक है, तो स्किन टाइटनिंग का बेहतरीन नुस्खा था जो कि मैंने आज आपके साथ शेयर किया है। ऐसे ही नुस्खे, ऐसे ही वीडियो और भी चैनल पर आने वाले हैं, तो इसके लिए प्लीज़ चैनल को विद बेल आइकन सब्सक्राइब करके जाइए, साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा वीडियो को एक लाइक कीजिए ताकि आगे भी मैं आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो मोटिवेशनल कमेंट के साथ साथ एक छोटा सा लाइक मुझे और भी ज़्यादा मोटिवेट कर देता है, तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो आपको कैसा लगा, क्या ये वीडियो पसंद आया, कमेंट करके बताइए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं जैसे ही टाइम मिलेगा वैसे ही आपको रिप्लाई करूँगी। साथ ही साथ इस वीडियो के लिंक को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली में व्हाट्सएप ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ढेर सारा अच्छे से ख्याल रखिए, एक अच्छी सी डाइट फॉलो कीजिए और साथ ही साथ खुश रहिए, खुशियां बांटिए, तभी आप हेल्दी और स्ट्रांग नजर आएंगी अंदर से भी और बाहर से भी। टेक केयर।